नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नई नई जानकारी लाता रहता हूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गवर्नमेंट बैंक के बारे में जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ अभी हाल ही में आपको देखने को मिली है। जब से उसमें न्यूज आया कि वो प्राइवेटाइजेशन होने वाला है उसका, उसके बाद से दोस्तों उसमें अपर सर्किट आपको करीब हफ्ते 10 दिन तक देखने को मिला है। उसके बाद दोस्तों वो एक ऊपर एक लेवल पे जाके उसके बाद उसमें से गिरावट स्टार्ट हो गई और उसमें कुछ दिनों तक आपको लोअर सर्किट भी देखने को मिला। तो दोस्तों, क्या वो अब भाग चुका है? अब आगे वो उसमें ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है? क्या वो शेयर अब ऊपर नहीं जा सकता या फिर उसकी ग्रोथ अभी भी बची पड़ी है जो नॉर्मल मार्केट नहीं समझ पा रही है? हो सकता है उसमें आने वाले टाइम में और ज़्यादा ग्रोथ हो और तेज़ी से उसमें अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों कंप्लीट बात करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा शेयर है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा IDBI बैंक का। आपको पता होगा हाल ही में इनका अगर अभी न्यूज आया था कि बैंक प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, उसके बाद से दोस्तों इसमें कमाल के मूवमेंट देखने को मिली है और ये शेयर बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर तक गया। उसके बाद दोस्तों इसमें लोअर सर्किट भी देखने को मिला। तो बात करेंगे कि क्या अब आगे क्या किया जा सकता है इस बैंक में। तो दोस्तों कंप्लीट एनालाइज करेंगे, उसके बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी बात किया जाएगा और पूरा टारगेट की बात किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको लास्ट ट्रेडिंग सेशन से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं NSE की वेबसाइट पर मैं आपको दिखा दे रहा कि अगर बात किया जाए तो 1.78% ये डाउन था। और वहीं बात किया जाए प्रीवियस क्लोज की तो आप देख सकते हैं 39.10 रुपये था। वहीं ओपन की बात करें तो 38.50 रुपये पर ये ओपन हुआ था। हाई 39.60 रुपये, लो इसे ये बनाता है 38.10 रुपये, क्लोज होता है 38.45 रुपये पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, वहीं दोस्तों 52 वीक हाई की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 56.20 रुपये, जो कि 7 जुलाई को इसने अपना हाई बनाया था। और इसके लो की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 52 वीक लो का तो 17.25 रुपये। यानी दोस्तों उस लेवल से अगर देखा जाए तो 300% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 300% ये अप गया था क्योंकि 17 रुपये का शेयर 51 रुपये क्रॉस कर गया था। तो दोस्तों ये बड़ी बात थी। तो यानी आप देख सकते हैं कि 300% का आपको रिटर्न देखने लगा। तो दोस्तों वो भी सिर्फ 3-4 महीनों में, तो ये तो कमाल की रिटर्निंग थी दोस्तों, वो भी एक सरकारी बैंक में इतनी ग्रोथ। तो दोस्तों आगे डिटेल देख लेते हैं। क्वांटिटी अगर ट्रेडेड की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 22 लाख से ऊपर क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। डिलीवरी की बात किया जाए तो 10 लाख से ऊपर डिलीवरी उठाई गई है। परसेंटेज की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं लगभग 45% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। यानी दोस्तों अब भी बहुत लोग बुलिश हैं शेयर को लेकर। तो दोस्तों पहले रिटर्न की पोर्टफोलियो देख लेते हैं कि क्या रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों एक हफ्ते की बात किया जाए तो ये आपको लगभग 1% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों इसमें लोअर सर्किट भी लगा था इसी वीक में और उसके बाद ये शेयर संभालना स्टार्ट किया, तो ये आपको रिटर्निंग रही है। वहीं बात किया जाए अगर एक महीने की तो दोस्तों देख सकते हैं एक महीने में ये आपको लगभग 6.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला। दोस्तों ये डेटा मैं आपको mohammadfaiz.com से दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जाकर खुद भी। सेंसेक्स की बात किया जाए दोस्तों सेंसेक्स ने 9.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। वहीं दोस्तों एक साल की बात किया, 3 महीने की बात किया जाए पहले, तो देख सकते हैं 3 महीने में लगभग 82.5% का पॉजिटिव रिटर्न, वो भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कमाल की रिटर्निंग देखने को मिली थी। वहीं अगर सेंसेक्स की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 21.71% का पॉजिटिव रिटर्न। यानी कहीं ना कहीं ये सेंसेक्स से भी कहीं ज़्यादा अच्छे खासी परसेंटेज दे रहा है, आप देख सकते हैं लगभग 4 गुना से ज़्यादा। तो ये दोस्तों कमाल की बात है। वहीं अगर बात किया जाए आप देख सकते हैं, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रमोटर्स की पहले बात कर लेते हैं। आपको पता है गवर्नमेंटेड बैंक है तो प्रमोटर्स भी गवर्नमेंट ही होगी। तो दोस्तों प्रमोटर्स के पास 98.11% है स्टेक, तो दोस्तों कमाल की स्टेक है शेयर होल्डिंग पैटर्न। वहीं अगर पब्लिक की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 1.73%, DII की बात किया जाए 0.15%, FII की बात किया जाए तो 0.02%, अदर की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 0.01%। और दोस्तों ये अच्छी बात है, प्रमोटर्स ने इसमें आप देख सकते हैं कि मार्च 19 के बाद से अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि मार्च 19 में 97.46% था उसे बढ़ाकर 98.11 किया गया है। तो दोस्तों ये प्लस पॉइंट है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रमोटर्स इस शेयर पे भी बुलिश हैं। वहीं अगर नेक्स्ट बात किया जाए इनके रिटर्न रिजल्ट की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों टोटल रेवेन्यू
जो कि आप देख को मार्च 20 में जो देखने को मिला था वो आप देख सकते हैं 11.86% का पॉजिटिव। वहीं ईबीटा की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं ये गिरा था इनका ईबीटा लगभग, आप देख सकते हैं तो ईबीटा आप देख सकते हैं 56.45% का नेगेटिव है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। वहीं नेट इनकम की अगर बात किया जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं 102.84 का पॉजिटिव रिटर्न, यानी दोस्तों नेट इनकम में भी अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिली है, लगभग 100% से भी ऊपर की ग्रोथ। तो दोस्तों ये एक प्लस पॉइंट है। वहीं आगे की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आगे की बात अगर किया जाए तो आप देख सकते हैं, मैं चार्ट पे आपको दिखा दे रहा कुछ लेवल्स, उसके बाद बात करेंगे। तो दोस्तों चार्ट पे आप देख सकते हैं 13 मार्च को 17.25 रुपये का इसने अपना लो बनाया था, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं शेयर उसी के आसपास कहीं 17 से 20 के आसपास ही ट्रेड हो रहा था। उसके बाद 29 मई को ये 19.75 रुपये पे आपको दिखा था, जो कि इसका लो बना था। उसके बाद दोस्तों इसमें कमाल की मूवमेंट आई, कमाल की आपको देख सकते हैं एकदम सीधा ये ऊपर भागना स्टार्ट किया, और दोस्तों ये ऊपर जाके 8 जून को 40.30 रुपये का इसने अपना हाई बनाया। उसमें के बाद आप देख सकते हैं थोड़ी करेक्शन इसमें आई और 12 जून को 30.45 रुपये पे आ गया इसका लो बना। उसके बाद दोस्तों इसमें एकदम सीधा आप देख सकते हैं अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। उसके बाद ये किसी को मिल ही नहीं रहा था ये शेयर, समझ लीजिए कि ये हफ्ते 10 दिन तक तो ट्रेड ही नहीं हुआ, जो भी हो रहा था सब ये अपर सर्किट पे लग रहा था और हर कोई होल्ड करके रखा था। तो 7 जुलाई को 55.75 रुपये का ये अपना हाई बनाता है। उसके बाद से दोस्तों इसमें करेक्शन आना स्टार्ट हो जाता है और आप देख सकते हैं इसमें सीधी करेक्शन आती है, और ये 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें लोअर सर्किट भी लग गया था ओपन होते ही, उसके बाद अब ये नॉर्मल ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों वलिंजर बैंड की अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं अपर बैंड ये 53.01 रुपये दिखा रहा है, जो कि वही लोअर बैंड की बात किया जाए तो 33.77 रुपये। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं 38 रुपये, यानी कि ये अपने मीडियम के भी नीचे वर्क अपना ट्रेड कर रहा है इस टाइम। वहीं अगर सिंपल मूविंग एवरेज 20 दिनों की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं 43.39 रुपये का है। तो दोस्तों ये वैल्यूएशन है, और दोस्तों एक बड़ी बात ये भी आप देख सकते हैं कि जब भी ये अपने अपर बैंड के आसपास या फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है उसके बाद इसमें करेक्शन आता है। तो दोस्तों ये भी 7 जुलाई को भी जो देखने को मिला वो भी यही रीज़न था कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा चुका था और बहुत ऊपर जा चुका था, वैल्यूएशन इसके काफ़ी महंगे हो चुके थे, इसीलिए करेक्शन आना जाहिर सी बात थी। तो दोस्तों नेक्स्ट और डिटेल बात कर लेते हैं तो MACD की बात किया जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसने MACD लाइन ने क्रॉस किया उसके बाद इंडिकेटर्स भी आपको समझने को मिला होगा, कहीं ना कहीं आपको एको एग्जिट करने का मौका भी मिला था, लेकिन दोस्तों जिन लोगों ने एग्जिट नहीं कर पाए तो उनके लिए मुश्किल की बात थी, क्योंकि फिर उस टाइम एग्जिट करने का मौका नहीं मिला। और देख सकते हैं वो शेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा है। MACD इस टाइम दोस्तों बुलिश है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो MACD लाइन है वो डाउन साइड में हुआ है। वहीं अगर दोस्तों RSI की बात किया जाए तो RSI एकदम न्यूट्रल है, 50 के आसपास ये चल रहा है। तो दोस्तों RSI से कोई अच्छा खासा आप वैल्यूएशन नहीं उठा सकते, लेकिन अगर दोस्तों आपको इन्वेस्टिंग करनी है इस शेयर में तो आप RSI को देखकर, और जैसे ये MACD आपका बुलिश ख़त्म होता है, जैसे ये MACD लाइन आप ऊपर आती है रेड लाइन को क्रॉस करके, उसके बाद इसमें दोस्तों आप पोजीशन बना सकते हैं और SIP के थ्रू इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये शेयर अभी फिर से जगेगा, फिर से भागेगा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कंपनी में, कंपनी अभी भी स्ट्रांग है, और दोस्तों जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ है तो जाहिर सी बात है कोई दिक्कत नहीं है, और प्राइवेटाइजेशन जब होगा तो दोस्तों ये शेयर कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से फिर से ग्रोथ करेगा, फिर से ये 50 का लेवल क्रॉस करेगा। तो दोस्तों इस बात का ज़रूर ध्यान दें, उसके बाद ही इसमें ट्रेड करें। और दोस्तों देख सकते हैं मैं आपको चार्ट पे ही दिखा दे रहा, अगर लेवल्स की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये लेवल तो 50 का, ये फिर से अभी आने वाले स्ट्रांग जैसे इसके दिन होंगे उसके बाद दोस्तों ये फिर से वो लेवल टच करेगा, और उसके बाद आपके पैसे को भी अच्छा खासा ये मूवमेंट देगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, वहीं अगर सपोर्ट की बात किया जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं 35 का इनका पहला सपोर्ट आप मान सकते हैं, 35 रुपये के सपोर्ट को मानकर आप प्ले कर सकते हैं। और उसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो दोस्तों आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस इनका 40 रुपये के आसपास का पहला रेजिस्टेंस बनेगा, अगर ये लेवल टूटता है तो ये जल्दी 45 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों टारगेट की बात किया जाए तो ये
काफ़ी अच्छा शेयर है, 50 का लेवल अभी फिर से क्रॉस करेगा, ये 50 के ऊपर जाएगा तो उसमें आप पार्शली अगर चाहें तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर उसे लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छी रिटर्न आपको देगी। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।